बहुत सारे लॉ एस्पिरेंट्स में से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईएएस बनना, और उसके लिए बच्चे एलएलबी करने के बाद उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आईएएस के लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईएएस की फील्ड का, लेकिन बच्चे उसमें क्या करते हैं, जो प्रोसीजरल लॉज है उनको स्किप कर जाते हैं। उन्हें लगता है ये क्या ज़रूरी है, हमें आईएएस बनने के लिए सिर्फ बेसिक लॉज जानने ज़रूरी हैं, और जो प्रोसीजर लॉज हैं वो कोर्ट के बारे में बताते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताते हैं, तो वो हमें पढ़ना क्या ज़रूरी है। लेकिन आप गलत हैं अगर आप ऐसा सोच रहे। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सीआरपीसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी का एक पार्ट जो कि है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में, वो आपके लिए डेडिकेटेड होता है, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ हम फिर से एक लेक्चर लेके आए हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल कानून सीखो, और हम आज बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स देखा था कि क्रिमिनल कोर्ट्स में कैसा हायरार्की क्या होती है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की पावर क्या होती है, वो था चैप्टर 2 में, और सेक्शन 11 में डिफाइन थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हमारा उसी चैप्टर में जो कि है चैप्टर 2, उसमें सेक्शन 20 से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे इससे पहले आप सबको लगता होगा कि मजिस्ट्रेट वर्ड ये वर्ड क्यों यूज़ होता है, बहुत ही अलग सा वर्ड है, जज क्यों नहीं बोल सकते हमने। तो ये मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट एक कहीं ना कहीं क्रिमिनल वर्ड है, क्रिमिनल वर्ड नहीं है, क्रिमिनल लॉ से डील करता है ये वर्ड। सिविल में हम उसे जज बोलते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ से जब आप डील कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैजिस्ट्रेटस वर्ड आया है लैटिन से, जिसे हमने इंग्लिश में अडेप्ट कर लिया है एज मैजिस्ट्रेट, और इसका मतलब एक ये होता है कि एक सिविल ऑफिसर चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। मतलब कि एक सिविल ऑफिसर या फिर एक ऑफिसर आप कह लीजिए, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ की एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी दी गई है, उसे हम मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। और स्पेशली मैजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जुडिशियल, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वैसे तो हैं दोनों ही मजिस्ट्रेट, पर जैसे एक पेड़ के दो टहनियाँ हो सकती हैं, वैसे ही एक लॉ के दो ब्रांचेज हो सकते हैं। तो ये दो ब्रांचेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोनों का काम बहुत ही अलग होता है एक दूसरे से, हाँ, लेकिन दोनों का ही काम कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होता है, इसलिए हम उन्हें मजिस्ट्रेट बोलते हैं दोनों को ही। पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम अलग होता है और उनकी ड्यूटीज़ अलग होती हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का काम अलग होता है, उनकी ड्यूटीज़ अलग होती हैं। तो आइए हम उन्हें देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है और पार्स क्या होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चैप्टर 2 में दिया हुआ है, और सेक्शन 20 उसके बारे में मेंशन करता है, तो आइए देखते हैं वो क्या बोलता है। सेक्शन 20 का पहला सबसेक्शन बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट या हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है जितने चाहे उतने लोगों को एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, और उन्हीं में से किसी एक को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करने के लिए, और उन्हीं में से किसी एक को एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो अपॉइंट करती है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि जो कलेक्टर होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, वही वहाँ का डीएम भी हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। कलेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर उसके अलावा कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन बी द कलेक्टर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये एक इंसान भी हो सकता है, ये दो इंसान भी हो सकते हैं, ये डिफरेंस आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। उसी सेक्शन का सबसेक्शन 2 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है, और उसे वो सारे पावर्स दिए जाएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होते हैं, वो सारे पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा सबसेक्शन इसी का ये बोलता है कि अगर किसी भी कारण से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस वेकेंट होता है या कोई ऑफिसर उसे सक्सीड करता है टेम्प्ररली, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा, जो कि सक्सीड करेगा, उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होंगी, और वो उन सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेगा, सारी ड्यूटीज़ को भी वो फुलफ़िल कर सकेगा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होंगी। देन इसी का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिविजन एंड मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेशन रिक्वायर्स, एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ अ सब डिविजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब
स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब किसी भी सब डिविजन का भी चार्ज दे सकती है और उसके और उसे उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। जैसा कि एक डिस्ट्रिक्ट को आप जानते हैं सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, तो उन्हीं में से किसी भी सब डिविजन का चार्ज किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस मजिस्ट्रेट को हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहेंगे। और इसी का नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जनरल या किसी भी स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये उसे डायरेक्शन दे सकती है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, और या तो फिर ये पार डेलीगेट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो भी उसके पार पास पार है अबव मेंशनड सबसेक्शन में। सॉरी, नेक्स्ट सबसेक्शन इसका ये बोलता है कि इस सेक्शन में जो भी चीज़ें दी गई हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन्फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पार्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पार दे सकती है ये, और कोई कुछ भी चीज़ इसमें इस सेक्शन में जो कि दी हुई है ये स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोकेगी, लेकिन ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 20। अब नेक्स्ट सब सेक्शन क्या बोलता है, वो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में, सेक्शन 21। ये क्या बोलता है ये देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स फॉर पर्टिकुलर एरियाज और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस एंड कन्फर ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सच ऑफ द पार्स एज आर कन्फरेबल अंडर दिस कोड ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एज इट मे डीम फिट। मतलब जैसा कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वैसे ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। उन्हें भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके ऊपर वो सारी पावर्स दे दी जाती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है। तो ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी स्पेशल पर्पस और किसी स्पेशल पर्टिकुलर एरिया के लिए ही अपॉइंट होते हैं। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 22, जो कि है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। इसमें दो सबसेक्शन है। पहला ये बोलता है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पार्स विथ विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो लिमिट्स को डिफाइन कर देगा, लोकल लिमिट्स मतलब जो एरिया वाइज लिमिट होगा वो डिफाइन कर देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए कि उनकी पावर्स कौन कौन से एरिया तक सीमित रहेंगी। सॉरी, इसी का सबसेक्शन 2 बोलता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जितना कि जब तक ये डिफाइन नहीं किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जितना डिफाइन होगा उसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे उन सारे मजिस्ट्रेट्स की पावर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगी, जब तक कि ऐसा कुछ डिफाइन ना किया गया हो या फिर उसे लिमिट ना किया गया हो तब तक। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 23, जो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है। अब ऑब्वियसली हर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी हायरार्की होती है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी के सबऑर्डिनेट होता है, तो ये उसी सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है ये सेक्शन। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर्स इन अ सब डिविजन शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट हावेवर टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, और हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा जो कि एक सब डिविजन में अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। हावेवर ये सारी चीज़ें किसके जनरल कंट्रोल के अंडर होंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर। मतलब सबसे ऊपर आता है आपके हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके अंडर सारे आते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये मतलब एक दूसरे के बराबरी में ही होते हैं।
और इनके अंडर सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आते हैं। इसी का सबसेक्शन 2 बोलता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सबऑर्डिनेट टू हिम एंड एज टू द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल्स बना सकते हैं या स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है, मतलब कि जो कि काम है, उसको डिवाइड कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में, या फिर कन्फर कर सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं बिजनेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे भी। मतलब जैसा कि सुपरविजन किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, इसलिए वो जो उनके अंडर में कंट्रोल में सबऑर्डिनेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उनके काम को वो डिवाइड कर सकते हैं, उनके काम को डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इतने सेक्शन जो है हमारे 20 से लेकर 23 तक, ये डील करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में स्पेशली। आगे बहुत कुछ कुछ सेक्शन हैं बट मेनली ये सारे सेक्शन हैं। अब हम कुछ बेसिक से पॉइंट्स पे आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। तो सेक्शन 3 जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताता है, मतलब कि अगर किसी भी वर्ड को मेंशन किया गया है इस कोड में तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका मतलब क्या लिया जाएगा इस कोड में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, मजिस्ट्रेट के बारे में कि अगर कहीं भी इस कोड में मजिस्ट्रेट वर्ड मेंशन होगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, मतलब अगर मेंशन नहीं किया गया है कौन सा मजिस्ट्रेट, सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो चाहे किसी दूसरे एरिया में हो। इसका मतलब इन जनरल हम मजिस्ट्रेट का मतलब हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब तक कि स्पेशली मेंशन ना किया गया हो तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाएगा इस कोड में, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब है मजिस्ट्रेट वर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशली मेंशन किया जाएगा तभी उसको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में यूज़ कर समझ सकते हैं। अब इसी सेक्शन में इसका सबसेक्शन 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, वो डिफाइन करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटीज़ को, और डिफाइन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट भी करता है। तो ये देखिए क्या बोलता है कि जो भी वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स, अगर कोई भी फंक्शन जो कि एक मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर रहा है वो इन मैटर्स से रिलेटेड हो, जैसे कि कौन से मैटर्स, विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस की एप्रिसिएशन या शिफ्टिंग से रिलेटेड हो, और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट और पेनल्टी, मतलब कोई भी एक डिसीजन ऐसा लेना हो जो किसी इंसान को एक्सपोज करता हो किसी पनिशमेंट के लिए या पेनल्टी के लिए, किसी इंसान को पनिशमेंट या पेनल्टी देनी हो अगर उस डिसीजन से तो, या फिर किसी की डिटेंशन हो, डिटेंशन इन कस्टडी हो, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट। सॉरी, इसका मतलब ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, या फिर पनिशमेंट देना हो, पेनल्टी देना हो, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शन होगा, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड बी एक्सरसाइजेबल बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सारे काम कौन करेगा, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेगा। वहीं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी फंक्शन विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, दे शैल सब्जेक्ट एज अफोरसेड बी एक्सरसाइजेबल बाई एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नेचर का हो, जैसे लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, सैंक्शन करना कोई प्रोसिक्यूशन या विड्रॉ करना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं जिनमें कहीं आपको पनिशमेंट ना देना हो, पेनल्टी का ज़्यादा काम ना हो, ये ट्रायल इंक्वायरी इन्वॉल्व ना हो ज़्यादातर, ये सारे फंक्शंस कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपरली डिफ्रेंशिएशन है, आप सब देखिए तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि फंक्शन क्या क्या होंगे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। तो कहीं ना कहीं हमारा CRPC जो है इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि वो डील करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में, लेकिन हाँ कुछ कुछ पार्ट उसका CRPC का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी रिलेटेड है, जो कि हमने जैसा देखा ये सेक्शंस कुछ कुछ हैं, और कुछ आगे फंक्शंस भी हैं जो कि स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ही दिए जाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं CRPC हैं।
तो अब सबसे बेसिक सा डिफरेंस देख लीजिए पहले दोनों में क्या होता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। डिफरेंस ये होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमेशा किसके कंट्रोल में होते हैं, हाईकोर्ट के कंट्रोल में, वो उससे सबॉर्डिनेट होते हैं, उससे रेगुलेट होते हैं, मतलब हाईकोर्ट रेगुलेट करता है और सारी चीज़ें जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो हाईकोर्ट लेता है। वहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सारे डिसीजंस या उनका कंट्रोल किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये अथॉरिटी कौन सी है किसके ऊपर, ये बहुत ही सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है बोलना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होती है हाईकोर्ट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके बाद हम जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो हमारे सीआरपीसी में कुछ पार्ट्स ही हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से डील करते हैं। उनमें से है जैसे चैप्टर 8 हुआ, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। इसमें सिर्फ एक सेक्शन 106 है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। उसके अलावा ज़्यादातर सेक्शंस जो हैं इस चैप्टर में वो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर स्पेशली है कि अगर कोई भी क्रिमिनल है या फिर किसी के बारे में कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई ट्रायल चल रहा है या फिर कोई भी एक अक्यूज्ड इंसान है, उससे अगर आपको सिक्योरिटी लेनी हो उसके पीस और गुड बिहेवियर के लिए, ताकि वो पीस मेंटेन करे और उसका बिहेवियर अच्छा रखे सोसाइटी में, तो ये सारे काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं। सिर्फ एक सेक्शन 106 जो है वो डील करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, मजिस्ट्रेट से जहाँ पे उन्हें पावर दी गई है, वरना उसके अलावा सारी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सिक्योरिटी लेने की। फिर नेक्स्ट चैप्टर 10 भी है जो कि है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एंड ट्रैंक्विलिटी। अब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर या लॉ को मेंटेन करना, ये काम जनरली एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ये इसलिए उन्हें दिया जाता है कि आपको पब्लिक में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो या ऑर्डर लॉ को मेंटेन करना हो, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होती हैं। इसमें बहुत सारे जैसे अनलॉफुल असेंबली अगर हुई कहीं पे, उसको डिस्पर्स करना या फिर उसे ना होने देना, ये काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होता है। उसके अलावा बहुत ही जनरल सा टर्म है सेक्शन 144। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, बहुत सारी जगह पे सेक्शन 144 लग जाता है। कोई भी एक छोटी सी इंसिडेंट होती है तो उसके बाद सेक्शन 144 लग जाता है। तो ये कौन लगाता है, ये सेक्शन 144 लागू करने की पावर दी गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। इनके पास ये पावर दी गई है जिसे हम कर्फ्यू भी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कर्फ्यू लगा है, वो सेक्शन 144 होता है सीआरपीसी का। और वो पावर होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, मतलब वो सेक्शन 144 लागू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत ही वास्ट पावर है, ये एक अलग ही पूरा पार्ट है जिसको हम फिर किसी दूसरे लेक्चर में डील करेंगे। पर इससे आप लोग आई होप ये जानते होंगे इस सेक्शन के बारे में आप लोग, क्योंकि ये बहुत कई बार बहुत सारी जगह पर लगता है। तो ये पावर होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। अब जैसा कि आप जानते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे काम करते हैं, कोर्ट के अंदर काम करते हैं सॉरी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर काम करते हैं। तो कोर्ट के अंदर काम करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं बहुत सारे, जो उनकी हेल्प कराते हैं। सेम वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कौन होता है हेल्प कराने के लिए, पुलिस एजेंसी होती है, क्योंकि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें हेल्प चाहिए होती है। और पुलिस एजेंसी जो कि एक बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अलग पावर होता है, अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन वो किसके साथ काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, जितना कि ज़रूरी था एक बेसिक सी नॉलेज जानने के लिए आपको, ये सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब ज़्यादातर जो है सीआरपीसी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का इतना ही रोल है, ऑलमोस्ट बहुत कम रोल है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कानून सीखो, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू।